बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शगुफ्ता एंड वेलकम माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सीवी ऑन टेबल। सो इफ यू आर लर्निंग वर्ड, सो यू हैव टू लर्न फॉर मेक सीवी ऑन वर्ड। सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। टेबल में सीवी बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाकर टेबल में जाएंगे और यहाँ से आप लेंगे 3 कॉलम और 1 रो। और लेने के बाद इसको आप जो है इस तरह से थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। अब मुझे ये जो इसके सेंटर में जो आ रहा है सेल, ये जो है नहीं चाहिए। मैं चाह रही हूँ कि ये मेरा प्रिंट में शो नहीं हो, तो सेंटर में कर्सर रखेंगे और इस पे चले जाएंगे डिज़ाइन में और इस पे जाएंगे हम बॉर्डर में, और बॉर्डर में जाकर हम नो बॉर्डर कर देंगे। अब हम यहाँ टाइपिंग करना है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अब उसमें हम जो है यहाँ एड्रेस वगैरह लिख देते हैं। टेलीफोन नंबर लिख देते हैं। अच्छा जी, इसकी फॉर्मेटिंग हम लास्ट में करेंगे। कर्सर बाहर लेकर आते हैं, एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद हम जो है टेबल में जाकर मज़ीद रॉ ले लेंगे। कॉलम वही 1 रहने देंगे क्योंकि रॉ की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले हम इस पर हेडिंग डालेंगे, ऑब्जेक्टिव की या प्रोफाइल की हेडिंग भी डाल सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव हम लिख देंगे इसमें। ये पहले सीवी में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव जो है तमाम जॉब्स में, एक भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हों, एक भी आप जो है लिख सकते हैं। वो आपके बात करने का अंदाज़ होता है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, कि आप जितनी भी मतलब के जो है आप पे काम का लोड डाला जाए तो आप बहुत अच्छी तरह से और जो है जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या जिस फील्ड के लिए रिक्वायरमेंट है उसमें आप जो है बहुत अच्छी तरह से अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो ये आप ऑब्जेक्टिव में अपना जो है अपनी बात करने का अंदाज़ बताते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में एक आपको बता रही हूँ जो पहले भी बताया है, ये आप किसी भी जॉब में लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है अबाउट मी, फादर्स नेम, अच्छा इसके अंदर टैप इतना काम नहीं करता, तो आप जो है अपने जो है इसी से ही टाइपिंग करेंगे, आप अपने हाथ से टाइपिंग करेंगे, मतलब के सॉरी जो है खुद से स्पेस बार से आप स्पेस देंगे। ठीक है जी, फादर्स नेम लिख दिया मैंने, फादर्स नेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, NIC नंबर, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आती है। स्पेस दे दे के लिखती जा रही हूँ मैं। रिलीजन लिख दिया मैंने, नेशनलिटी लिख दी, फादर्स नेम लिख दिया मैंने। थोड़ा सा और इसमें जूम कर लेती हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। CNIC
इधर थोड़ी सी स्पेस और दे देते हैं क्योंकि दोनों तरफ बराबर की थोड़ी स्पेस हो। ठीक है जी। अच्छा देखिए, ये ऑब्जेक्टिव आपने लिख दिया है। अब इसके बाद आपको जो है ये इससे सेपरेट करना है, तो आप लेआउट में जाके और ये क्या कर देंगे, स्प्लिट टेबल कर देंगे। लेकिन यहाँ से नहीं, मुझे यहाँ से सेपरेट करना है, तो मैंने कर्सर यहाँ रखा और लेआउट में जाकर स्प्लिट टेबल कर दिया मैंने। बस इस तरह से आप जो है अलग अलग हेडिंग्स बनाते जाएंगे और ये सेपरेट्स करते जाएंगे। अच्छा, अब हम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लिखेंगे। मैंने पहले सबसे पहले लेआउट में जाएंगे और इंसर्ट ब्लो में मज़ीद रॉ लेंगे और जहाँ से आपको इसको सेपरेट करना है वहाँ कर्सर रखेंगे और स्प्लिट टेबल कर देंगे। अब मैंने यहाँ जाके क्वालिफिकेशंस लिख दिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लिख दें। अच्छा, लास्ट क्वालिफिकेशन फर्स्ट लिखेंगे। जैसे आपने बीकॉम किया है या कुछ भी किया है, तो पहले आप बताएंगे कि आपकी लास्ट क्वालिफिकेशंस क्या हैं। अच्छा, फिर इंटर। ग्रेड अच्छा है तो ग्रेड भी शो करें। क्लोज कर देंगे। अच्छा, क्वालिफिकेशंस के बाद वर्क एक्सपीरियंस करेंगे, तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए यहाँ कर्सर रखा मैंने और ये लेआउट में जाकर स्प्लिट टेबल कर दिया और यहाँ एक्सपीरियंस की हेडिंग डाली। ठीक है जी, एक्सपीरियंस जो लास्ट आपकी जॉब है या कंटिन्यू है वो फर्स्ट लिखेंगे आप, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है आपको तो फिर आप क्या लिखेंगे, नो एक्सपीरियंस। ठीक है जी, इससे पहले वाले सीवी में मैंने आपको सीवी में जो ऐसे एक्सपीरियंस लिखते हैं वो बताया था मैंने आपको, जब सिंपल सीवी बताई आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब मैं इस पर ये बता रही हूँ कि आप फ्रेश हैं, नो एक्सपीरियंस है। यहाँ कर्सर रखा मैंने और यहाँ से स्प्लिट टेबल से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अच्छा, उसके अलावा कंप्यूटर स्किल्स हैं, या फिर आप क्वालिफिकेशंस के बाद पहले जो है स्किल्स लिख लें कंप्यूटर्स के, आपकी ये भी क्वालिफिकेशन, तो फिर वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाइएगा। कंप्यूटर स्किल या एक्स्ट्रा स्किल्स बोल दें आप इसे, जैसे आपने कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, हार्डवेयर का किया हुआ है, लैंग्वेज का किया हुआ है, इलेक्ट्रिशियन का किया हुआ है, ये सब आपके एक्स्ट्रा स्किल्स हैं। इंसर्ट ब्लू करते जाएंगे।
और कंप्यूटर्स के जो कोर्स किए हैं वो लिख दें। ठीक है जी। अच्छा, इंसर्ट ब्लू कल के और रो लेते हैं, स्प्लिट कर देते हैं यहाँ से कर्सर रखकर। रेफरेंस, अगर किसी का रेफरेंस है तो सही है, वरना फिर अपनी मेहनत के बलबूते पर आप खुद से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लिख देंगे विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट। ठीक है जी। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि सीवी में साइज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब सबसे पहले देखिए ये नेम है, तो आप नेम को साइज़ दे देंगे 18 से 20 के दरमियान। आप साइज़ दे दें या 18 भी रख सकते हैं। अच्छा, ये भी थोड़े बड़े साइज़ का ही होगा। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्टिव है, इसका साइज 12 रखें। जैसा स्टाइल देना है स्टाइल दे दें आप, बोल्ड कर दें। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये शेडिंग अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें भी हम शेडिंग दे देंगे, इसमें भी हम शेडिंग दे देंगे। ठीक है जी। अब यही मैंने जो है क्या करना है, पहले तो पूरा सिलेक्ट करके हम बोल्ड कर देते हैं यहाँ से। और यही मैंने हेडिंग स्टाइल सब पर देना है, तो मैं क्या करूँगी इसको सिलेक्ट करके और फॉर्मेट पेंटर डबल क्लिक करूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे ये अप्लाई करना है वहाँ वहाँ रब करती जाऊँगी। ठीक है जी। अब शेडिंग फॉर्मेटिंग में नहीं आती है, तो मैं इसको जो है खुद से दे दूंगी, अभी हेडिंग्स पर अप्लाई कर दूंगी। अच्छा, आप चाहें तो ये जो हेडिंग्स हैं इनका कलर वाइट भी रख सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं अगर आपको इसका जूम छोटा करके दिखाऊं तो ये हमारी सीवी टाइप हो गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी हमारी टेबल सीवी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।